अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी सारी नेमतों से नवाजा, उनमें एक आंखें भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ये कुव्वत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कुव्वत ना होने के बावजूद भी अपने अज़्म और हौसले से दुनिया को बताते हैं कि नहीं आंखें तो क्या हुआ, हौसला तो है। स्वात की तहसील है खाजा खेला, इसके रहायशी हबीब नवाज ये बसारत से महरूम तो हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस बाहिम्मत शख्स ने मुसलसल जिदोजहद की, मेहनत की और पीएचडी मुकम्मल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी। इस बाहिम्मत शख्स से मिलवाएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन उद्दीन। उन्होंने ज़िंदगी में कौन कौन से मसाइल फेस किए, किस तरह से उन चैलेंजेस से निपटे, सैयद शहाबुद्दीन हमें बता रहे हैं। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील ख्वाजा खेला के एक छोटे से गांव लंगर में, और लंगर में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा और तालीमी सफ़र जारी रखा, और हाल ही में इन्होंने पीएचडी अपनी मुकम्मल कर ली है और वो डॉक्टर बन गई हैं। हबीब नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इतना बड़ा और कामयाब सफ़र तय किया, पीएचडी मुकम्मल कर ली, इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि ज़िंदगी का सफ़र कैसे रहा और जो तालीमी सफ़र रहा इसके बारे में भी बताइएगा। शाह साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुबारकबाद पेश की, शुक्रिया, खुश रहे। जो ज़िंदगी के बारे में, आठवीं क्लास तक मैं नॉर्मल था, मेरे अंक सही थी। आठवीं क्लास के दौरान मेरे नज़र मुतासिर हुई हादसाती तौर पर, लेकिन उसके बाद मैंने स्पेशल एजुकेशन में तालीम हासिल की और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड पेशावर में पाँचवीं तक पढ़ा। उसके बाद मैंने मैट्रिक मुख्तसरन यानी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, और यूनिवर्सिटी में बीएड एमएड करने के बाद अभी रिसेंटली मैंने मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई। और इस दौरान मुश्किलात की बात आपने की, तो मुश्किलात इसमें बहुत सारी रही। मसलन ये कि पहले पहल तो यूनिवर्सिटी मुझे एम पिल लीडिंग टू पीएचडी में एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थी। ये समझ रहे थे कुछ लोग के नाबीना अफराद मास्टर से आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इस के लिए मैं खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट गया और कोर्ट ने मुझे मेरे हक में फैसला किया, यूँ मैंने एडमिशन लिया। दूसरी मुश्किल जो मेरे सामने रही वो मेरा पेरेंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ मैं सर्विस करता हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो मुझे तालीम हासिल करने के लिए एनओसी नहीं दे रहा था। इसको भी मैंने सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया और मुझे एनओसी मिली। इसके अलावा तीसरी मुश्किल ये है कि यूनिवर्सिटियों में रिसोर्सेज की कमी है, नाबीना अफराद के लिए मखसूस स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और कुतब की ज़रूरत होती है जो कि यूनिवर्सिटियों में अवेलेबल नहीं।